आराम श्रोताओ, स्वागत है आपका देवशल इफेक्ट्स में। तो आज हम जानेंगे कि मांडव ऋषि के शाप से कैसे मुक्त हुआ कौशिक ब्राह्मण। जी हाँ, तो चलिए देखते हैं। प्रतिष्ठान पर्व में एक कौशिक नामक ब्राह्मण रहता था। वह पिछले जन्म में किए हुए पापों के कारण कोढ़ी था। ऐसे घृणित रोग से युक्त होने पर भी उसे उसकी पत्नी देवता की भांति पूजती थी। वह अपने पति के पैरों में तेल मलती, उसके हाथ पैर दबाती और अपने हाथों से नहलाती, कपड़े पहनाती और भोजन कराती थी। इतना ही नहीं, उसके थूक, मल मूत्र और रक्त भी वह स्वयं धोकर साफ करती थी। वह एकांत में भी पति की सेवा करती और उसे मीठी वाणी से प्रसन्न रखती थी। इस प्रकार अत्यंत विनीत भाव से वह सदा अपने स्वामी की पूजा किया करती थी। तो भी अधिक क्रोधी स्वभाव का होने के कारण वह अपनी पत्नी को फटकारता ही रहता था। इतने पर भी वह उसके पैरों में पड़ती और उसे देवता के समान समझती थी। यद्यपि उसकी देह अत्यंत घृणा के योग्य थी, तो भी वह साध्वी उसे सबसे श्रेष्ठ मानती थी। कौशिक से चला फिरा नहीं जाता था, तो भी एक दिन उसने अपनी पत्नी से कहा, उस दिन मैंने घर पर बैठे बैठे ही सड़क पर जिस वैश्या को जाते हुए देखा था, मुझे उससे मिला दो। वही मेरे हृदय में बसी हुई है। जब से मैंने उसे देखा है, तब से वह मेरे मन से दूर नहीं होती। यदि वह आज मेरा आलिंगन नहीं करेगी तो कल तुम मुझे मरा हुआ देखोगी। उस वैश्या को बहुत लोग चाहते हैं और मुझमें उसके पास तक जाने की शक्ति नहीं है, इसलिए आज तुम मुझे ले चलो। अपने काम के वशीभूत पति के यह वचन सुनकर उत्तम कुल में उत्पन्न हुई वह सौभाग्यशालिनी पतिव्रता पत्नी ने अपनी कमर कस ली और अपने पति कौशिक को कंधे पर चढ़ा लिया। फिर धीरे धीरे वैश्या के घर की ओर प्रस्थान किया। रात का समय था, आकाश मेघों से आच्छन्न हो रहा था, केवल बिजली के चमकने से मार्ग दिखाई दे जाता था। ऐसी बेला में वह ब्राह्मणी अपने पति की इच्छा को पूर्ण करने के लिए राजमार्ग से जा रही थी। मार्ग में एक सूली थी जिसके ऊपर चोर ना होते हुए भी चोर के संदेह से मांडव्य नामक ब्राह्मण को चढ़ा दिया था और उनके नीचे भाला लगाकर उन्हें बैठा दिया था। वे अत्यंत दुखी थे क्योंकि उन्हें उस अवस्था में पीड़ा हो रही थी। कौशिक पत्नी के कंधे पर बैठा था। उस अंधकार में देख ना सकने के कारण उसने अपने पैरों से छूकर सूली को हिला दिया। इससे कुपित होकर मांडव ऋषि ने कहा, जिसने पैर से हिलाकर मुझे इस कष्ट की दशा में पहुंचा दिया है और मुझे अत्यंत दुखी कर दिया है, वह दुष्ट पापी सूरज निकलने से पहले निसंदेह अपने प्राणों से हाथ धो बैठेगा। सूर्य का दर्शन होते ही उसका विनाश हो जाएगा। इस अत्यंत दारुण शाप को सुनकर उसकी पत्नी व्यथित होकर बोली कि मेरे पतिव्रता धर्म के तप से आज के बाद सूरज ही नहीं उगेगा। उसके बाद सूर्योदय ना होने के कारण बराबर रात ही रहने लगी। कितने ही दिनों के बराबर समय रात भर में ही बीत गया। इससे देवताओं को बड़ा भय हुआ। वे सोचने लगे कि स्वाध्याय, वशटकार, श्राद्ध और यज्ञ से रहित होकर यह संपूर्ण जगत नष्ट हुए बिना कैसे रह सकता है। दिन रात की व्यवस्था हुए बिना मास और ऋतु का भी लोप हो जाएगा। उसके बाद वे परेशान सभी देवता ब्रह्मा जी के पास गए और उन्होंने पूरी घटना ब्रह्मा जी को बताई। ब्रह्मा जी ने कहा, पतिव्रता के महात्म्य से इस समय सूर्योदय नहीं हो रहा है और भास्कर के ना निकलने के कारण मनुष्यों तथा तुम देवताओं को भी हानि है, इसलिए तुम लोग महर्षि अत्रि की पतिव्रता पत्नी तपस्विनी अनुसुईया के पास जाओ। तब देवताओं ने जाकर माता अनुसुईया जी को प्रसन्न किया। वे बोली, तुम क्या चाहते हो? देवताओं ने याचना की कि सब कुछ पहले जैसा ही हो जाए और दिन रात की व्यवस्था पुनः चालू हो जाए। माता अनुसुईया जी ने कहा कि पतिव्रता का महत्व किसी प्रकार कम नहीं हो सकता, इसलिए मैं उस साध्वी को मनाकर दिन की सृष्टि करूंगी। मुझे ऐसा उपाय करना है जिससे फिर पहले की ही भांति दिन रात की व्यवस्था चलती रहे और उस पतिव्रता के पति का नाश भी ना हो। देवताओं से यह कहकर माता अनुसुईया उस ब्राह्मणी के घर चली गईं और उसकी कुशलता पूछने पर उन्होंने अपने स्वामी की तथा अपने धर्म की कुशलता बताई। अनुसुईया जी बोली, देवी, तुम्हारे वचन से दिन रात की व्यवस्था का लोप हो जाने के कारण शुभ कर्मों का अनुष्ठान बंद हो गया है, इसलिए ये देवता मेरे पास दुखी होकर आए हैं और प्रार्थना करते हैं कि दिन रात की व्यवस्था पहले की भांति ही अखंड रूप से चलती रहे। मैं इसी के लिए तुम्हारे पास आई हूँ। दिन ना होने से
समस्त यज्ञ कर्मों का अभाव हो गया है और यज्ञों के अभाव से देवताओं की पुष्टि नहीं हो पाती है। इसलिए हे तपस्विनी, दिन के नाश से समस्त शुभ कर्मों का नाश हो जाएगा। इसलिए यदि तुम इस जगत को आपत्ति से बचाना चाहती हो तो संपूर्ण लोगों पर दया करो, जिससे पहले की भांति सूरज निकलना चालू हो जाए। ब्राह्मणी ने कहा, हे माता, मांडव्य ऋषि ने क्रोधित होकर मेरे स्वामी को शाप दे दिया है कि सूर्योदय होते ही तेरी मृत्यु हो जाएगी। अनसुईया जी बोली, यदि तुम्हारी इच्छा हो और तुम कहो तो मैं तुम्हारे पति को बिल्कुल स्वस्थ और तरुण अवस्था प्रदान कर दूंगी। उसके बाद तपस्विनी अनसुईया ने भगवान भास्कर को जल अर्पित करके उनका आवाहन किया। उस समय तक 10 दिनों के बराबर रात बीत चुकी थी। उसके बाद भगवान भास्कर खिले हुए कमल के समान अरुण आकृति धारण किए अपने महान मंडल के साथ प्रकट हो गए। सूर्यदेव के प्रकट होते ही ब्राह्मणी का पति प्राणहीन होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा, किंतु उसकी पत्नी ने गिरते समय उसे पकड़ लिया। माता अनसुईया बोली, पति की सेवा से जो तपोवल मुझे प्राप्त हुआ है उसे तुम अभी देखो। मैंने जो रूप, शील, बुद्धि एवं मधुर भाषण आदि सद्गुणों में अपने पति के समान दूसरे किसी पुरुष को कभी नहीं देखा है, उस सत्य के प्रभाव से यह ब्राह्मण रोग से मुक्त हो जाए और फिर से स्वस्थ एवं जवान हो जाए। यदि मैं स्वामी के समान और किसी देवता को नहीं समझती तो उस सत्य के प्रभाव से यह ब्राह्मण रोग मुक्त होकर पुनः जीवित हो उठे। माता अनसुईया के इतना कहते ही वह ब्राह्मण अपनी प्रभा से उस भवन को प्रकाशमान करता हुआ रोग मुक्त तरुण देह को धारण किए हुए जीवित हो उठा। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। देवशल्य फैक्ट्स में आप ऐसे वीडियो देखते रहेंगे। धन्यवाद।